हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम अवकलन। जैसे चिन्हों के बारे में आप जानते हैं, 5 + 7 क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे यहाँ पे 12, यहाँ क्या लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 15। आपको कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको यहाँ क्या लिखना है, चिन्ह से पता चल रहा है आपको। अगर मान लो यहाँ 3 लिखा हो तो यहाँ क्या लिखोगे 8। देखो इनके बीच में केवल साइन चेंज कर रहा हूं मैं, केवल साइन चेंज करने से आपका इधर का आंसर चेंज होगा। तो एक नया साइन पढ़ेंगे आप, जैसे आपने ये चिन्ह भी पढ़ा है ना, 5/3 इस तरह से। तो ऐसे ही चिन्ह आ रहा है एक और, ये जोड़ है, ये बाकी है, ये गुणा है और ये भाग है। तो एक नया चिन्ह आ रहा है और उसका नाम है अवकलन, डिफ्रेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन का मूल अर्थ, इसका बेसिक मीनिंग होता है, इसका मूल अर्थ होता है तोड़ना। और तोड़ना का उल्टा क्या होता है, जोड़ना। इसके बाद आप पढ़ेंगे समाकलन, तोड़ना, इसका मूल अर्थ क्या है, मूल अर्थ। अवकलन का मतलब मूल अर्थ होता है तोड़ना, और समाकलन पढ़ेंगे आप लोग, उसका मूल अर्थ होगा जोड़ना। चीजों को जोड़ने के लिए समाकलन का इस्तेमाल करेंगे, तोड़ने के लिए, तोड़ने का मतलब है छोटे से भाग का मान ज्ञात करना है तो उसको हम तोड़ना बोलेंगे, तोड़ने के लिए हम अवकलन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका चिन्ह कैसा होता है, इसका उपयोग कहां करते हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। तो सबसे पहले तो देखो, ऐसा ये डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको। डी वाई बाय डी एक्स लिखा है मान लो मैं, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ोगे इसको। डी वाई बाय डी एक्स ऐसे पढ़ते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। पढ़ने का तरीका आ जाएगा, जैसे मान लो ऐसे लिखा है डी एक्स अपॉन डी टी लिखा है, तो इसको कैसे पढ़ोगे, डी एक्स बाई डी टी ऐसे पढ़ेंगे, डी एक्स बाई डी टी। पढ़ने का तरीका देख लो, डी टी अपॉन डी टी पढ़ना आएगा, डी थीटा बाय डी टी, डी और टी ये ऐसे पढ़ेंगे। तो आपको इस तरह से पढ़ना आ गया, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें बता रहा हूं, बस एक ही बार आपको ध्यान देना है, बाकी दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने का तरीका होगा। अब इसको कई तरीके से देखते हैं हम लोग, जैसे वक्रों में हम इसको अलग नजरिए से देखेंगे, मैथमेटिकली अलग देखेंगे, अलग अलग स्वरूप में अलग अलग उपयोग इसके मिलेंगे, जैसे परिभाषाओं में अलग इसको हमारा देखने का नजरिया होगा। तो dy by dx लिखा है, इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, y का अवकलन जो ऊपर लिखा है यहां पे, ये जो लिखा है y का अवकलन x के सापेक्ष, ऐसे भी पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ने का तरीका, y का अवकलन x के सापेक्ष, ये इसको पढ़ने का तरीका होगा। अगर मान लो देखो, एक 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 करके वापस लिखते जाऊं ऊपर से, उधर में आपके लिए लिखते जाऊंगा आपको कैसे पढ़ना है। dy by dx इसको पढ़ने का तरीका क्या बताया मैंने आपको, dy by dx ऐसे पढ़ते। एक और तरीका क्या बताया, y का अवकलन x के सापेक्ष ऐसे भी पढ़ते, y का अवकलन x के सापेक्ष। इसको एक और तरीके से देखते हैं, एक और तरीके से पढ़ते हैं, y के मान में x के साथ परिवर्तन की दर ऐसे भी पढ़ते हैं, y के मान में x के साथ परिवर्तन की दर ऐसे भी पढ़ते हैं, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं,
वाई एक्स वक्र का ढाल, ढाल का एक और नाम है, पढ़ेंगे आप लोग आगे प्रवणता, ऐसे भी पढ़ते कई जगह इसका मान डी वाई बाई डी एक्स का मान टेन थीटा भी लिखा हुआ मिलेगा। टेन थीटा को ही हम बोलते हैं वाई एक्स वक्र का ढाल भी बोलते हैं। इसको कई बार हम एम से भी व्यक्त करते हैं, एम भी लिखते हैं कई बार इसको, ढाल को, जैसे अपन ने सरल रेखाओं के अंदर लिखा था एम ढाल के रूप में लिखा जाता है, ढाल भी लिखते हैं। इसको हिंदी में स्पर्श ज्या भी बोलते हैं, टेन को, टेन को क्या बोलते हैं, स्पर्श ज्या। देखो इसको ऐसा लिखने के पीछे थोड़ा सा लॉजिक देख लो, ध्यान से देखना। मान लो ये y वक्र और ये x वक्र, ये x अक्ष और y अक्ष दोनों, एक कोई ऐसा वक्र जानबूझ करके ऐसे बनाया मैंने ताकि मुझे मैं कुछ चीजें इसके अंदर देख सकूं। मान लो ये दो बिंदु मैंने इसके अंदर डाल दिए, ये दो बिंदु, इन दोनों को मिला दो, वक्र के इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिलाया तो एक सेकंड कट गया यहां पे, एक अंतःखंड कट गया इसको, ये देख रहे हो आप, ये वाला यहां से लेकर यहां तक इसको सेकंड बोलते हैं, ये अंतःखंड बन गया। ये इस चाप, इस वक्र ने इस सरल रेखा का ये वाला अंतःखंड अंदर की तरफ काट दिया है। मान लो ये x1 है और ये वाली स्थिति का नाम x2 है, इस स्थिति का नाम y1 है और इस स्थिति का नाम y2। ठीक है, अगर अब आपसे यूं कहा जाए देखो यहां से लेकर यहां तक का ये जो आपको अंतर नजर आ रहा है, ये अंतर, इस अंतर को डेल्टा एक्स अगर मैं लिख दूं, डेल्टा एक्स मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन लिख दूं, और यहां से लेकर यहां तक का अंतर, अंतर जान दो, देखो यहां से यहां तक कितना है वाई टू और यहां से यहां तक कितना है वाई वन, तो बताओ ये कितना बचेगा, वाई टू माइनस वाई वन, और इसको भी वाई टू माइनस वाई वन। अगर मैं इसको यहां से लेकर यहां तक इसको डेल्टा वाई लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, क्यों लिखा लेकिन इसे, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक की जो आपको ये दूरी नजर आ रही है ये वास्तव में परिवर्तन है, ये परिवर्तन यहां से लेकर यहां तक का ये क्या है, परिवर्तन। तो यहां लिखो परिवर्तन चाहे यहां लिखो कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं। मान लो इस कोण का मान कितना है थीटा, तो आपको एक त्रिभुज नजर आ गया, त्रिभुज नजर आया, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब और ये भुजा क्या होती है आधार। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ टेन थीटा का मान क्या होगा, आप बोलेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, जानते हो ना लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। बताओ लंब कौन सा होता है, जो थीटा के सामने वाली भुजा है उसको लंब बोलेंगे, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलेंगे और इसको आधार बोलेंगे। तो लंब बटे कर्ण डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये आपका आंसर आ गया कि इसके अंदर टेन थीटा का मान कितना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब आप यूं सोचो ये वक्र था और ये मैंने आपको एक सरल रेखा दिखाई, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मान लो ये थोड़ा सा इधर आ जाए, देखो अगर ये सरल रेखा इस तरह से बन जाए, देखो यहां से और यहां से डाला था तो डेल्टा एक्स बन गया था, अगर ये सरल रेखा यूं होती तो क्या होता, डेल्टा एक्स का मान कम होता। देखो अगर ये सरल रेखा यहां से काटती तो यूं और यूं मिलाता ना इसको यहां से, तो डेल्टा एक्स का मान और कम हो जाता। अगर मान लो ये सरल रेखा इस तरह से काटती तो देखो बिल्कुल अगर यहां से काटती तो क्या होता बताओ, तो मैं इसको और इसको मिलाता तो डेल्टा एक्स का मान और कम हो गया था। अगर मान लो अब आपसे कहा जाए
इस सरल रेखा को देखो, ये सरल रेखा यहां होने के बजाय अगर यहां हो जाए तो बताओ ए के बिंदु बन गया, तो ए के बिंदु हो गया तो x2 और x1 एक ही जगह पर आ गए दोनों के दोनों, इसका मतलब डेल्टा x का मान क्या हो गया, जीरो जीरो हो गया। अब इसी चित्र को वापस देखो और मुझे इस चीज का जवाब दो, ये सरल रेखा यहां के बजाय अगर यहां आ जाए, देखो अगर यहां आए तो ये x1 है और ये x2 है, तो दिस माइनस दिस क्या हो गया डेल्टा x, ये डेल्टा x हो गया। अगर ये यहां आ जाए तो डेल्टा x का मान कम होगा और बिल्कुल यहां आ जाए स्पर्श रेखा बन जाए, देखो अगर ये स्पर्श रेखा बन जाए तो बताओ यहां से एक ही लंब डलेगा बस। तो अब उल्टा पूछ रहा हूं मैं, बताओ अगर इस सरल रेखा को इस वक्र की स्पर्श रेखा बनाना है, स्पर्श रेखा स्पर्श ज्या बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर स्पर्श ज्या बनाना है तो इस डेल्टा एक्स का मान जीरो होना पड़ेगा, मतलब यहां से अगर मैं लंब डालूंगा तो x2 भी यही आएगा और x1 भी यही आएगा, तो x2 और x1 के मान बराबर हो जाएंगे, बताओ ये x2 माइनस x1 है, ये क्या है y2 माइनस y1, ये ना। अगर मान लो ये स्पर्श रेखा बन जाएगी तो x2 भी यहां आ गया और x1, एक ही तो सरल रेखा डालेंगे यहां से, एक ही लंब डालेगा तो x2 और x1 का मान बराबर हो जाएगा, इस स्थिति में क्या होगा डेल्टा एक्स टेंडिंग टू क्या होगा जीरो। जब ऐसा होगा, जब डेल्टा एक्स, देखो इसको बोलते हैं टेंडिंग, मतलब जीरो की ओर अग्रसर, जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो तो इस रेखा का नाम डाल दिया ए बी, तो क्या होगा बताओ, तो ए बी रेखा वक्र को स्पर्श करेगी या वक्र की स्पर्श रेखा बन जाएगी, क्या बन गई स्पर्श रेखा। अब उल्टा देखो, मान लो ये चाप है, अब ये रेखा है, ये स्पर्श रेखा कब बनेगी, जब डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाएगा जीरो, डेल्टा एक्स का मान जीरो होने का मतलब जैसे अभी देखो ये एक्स अक्ष है, यहां से लंब डालूंगा तो यहां एक्स वन आएगा, यहां से लंब डालूंगा तो यहां क्या आएगा एक्स टू, दो दो आ रहे, क्या स्पर्श रेखा आएगा नहीं, अगर यहां आएगी तो कितने बिंदु बनेंगे बताओ, अगर ये सरल रेखा यहां के बजाय यहां आएगी तो कितने बिंदु बनेंगे, अभी भी दो बनेंगे, अगर ये सरल रेखा यहां आएगी तो अभी भी कितने बिंदु बनेंगे दो, इसका मतलब अभी स्पर्श रेखा नहीं है, और अगर ये सरल रेखा यहां आएगी तो कितने बिंदु बनेंगे एक बनेंगे, इसका मतलब x2 और x1 एक ही जगह आ गया तो x2 माइनस x1 का मान कितना हो गया जीरो, तो स्पर्श रेखा बनने के लिए डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। इस स्थिति में क्या होगा बताओ, इस स्थिति में, अब इस स्थिति को आपको हमेशा याद रखना है, इस स्थिति का मतलब कौन सी स्थिति, डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो में ये जो रेखा है वो क्या बन जाएगी सरल रेखा, स्थिति कौन सी ये, अगर ये नहीं होगी तो स्पर्श रेखा के बारे में बात नहीं करेंगे, और अगर ये है तो स्पर्श रेखा के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से देखो, तो tan थीटा बराबर क्या है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लेकिन स्थिति क्या बताई मैंने, इसको ऐसे लिखेंगे जो मैंने शब्दों में लिखा है उसको गणित में ऐसे लिखते हैं, डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा x का मान जीरो की ओर अग्रसर है, ये क्या लिखा है डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। अब इसी पूरे सूत्र को अब हम आज के बाद ऐसे लिखेंगे और इसी को कहा जाता है अवकलन, देख लो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो को कैसे लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ने का तरीका क्या है वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर है ढाल के बराबर है, प्रवणता के बराबर है, टेन थीटा के बराबर है, स्पर्श ज्या के बराबर है, अपने अपने शब्द हैं, कुछ भी कैसे भी बोलो। अब इसी को मैं अगर पहचानने के लिए बोलूं तो अब इसी चीज को पहचानना, आप लोग देखो एक बार और देख लो, अलग तरीके से देखो, अब अगर मान लो कहीं पर लिखा है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखा है,
देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और यहां लिखा है लिमिट नीचे वाले की डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, नीचे वाले अक्ष डेल्टा टी। तो बताओ इसको कैसे लिखो, इस पूरे को हम क्या लिखेंगे अवकलन के रूप में, ये डेल की जगह क्या बन जाएगा डी, यहां क्या बन गया एक्स और नीचे क्या गया डी और ये डी। अब इसको पढ़ने का तरीका आपको मालूम है, कैसे पढ़ोगे बताओ, एक्स का अवकलन टी के सापेक्ष या डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे पढ़ेंगे ठीक है। अच्छा ये इसको वक्र के रूप में पढ़ के बताओ, ऊपर जो लिखा है उसको यहां लिखो, जो नीचे लिखा है उसको यहां लिखो, अब इसका नाम बताओ क्या हो गया एक्स टी वक्र, और ये क्या बन गया पूरा ढाल, एक्स टी वक्र का ढाल। मैं जब जब इनका इस्तेमाल करना होगा वहां दोबारा बताऊंगा, ताकि एक आध उपयोग करेंगे हम, जैसे सरल रेखीय गति पढ़ेंगे तो उसके अंदर शुरू शुरू में ही आ जाएगा। लेकिन अब आपको एक चीज यहां से जरूर आगे तक लेकर के चलनी है कि अगर इन अल्प परिवर्तनों के अनुपात में इसका मान टेंडिंग टू जीरो हो जाए तो इस पूरे को पकड़ करके अवकलन के बराबर कर देना, ठीक है। तो ये पढ़ने का तरीका आ गया, कैसे पढ़ते हैं अवकलन को। अब इन अवकलन के कुछ नियम हैं, उन नियमों का हम ध्यान देंगे। नियत राशि किसे कहते हैं जानते हो, नियत राशि का मतलब होता है ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, नियत राशि कहलाएगी। ऐसी राशि जिसका मान नियत नहीं है, जैसे मान लो जिसका मान नियत नहीं है उसको क्या बोलेंगे परिवर्तनशील। जैसे डस्टर है, कल जब मैं पढ़ाने आया तो इस डस्टर की लंबाई का मान था 12 सेंटीमीटर, आज जब मैं पढ़ाना आया तो भी इसकी लंबाई का मान कितना है 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस डस्टर की लंबाई का मान कल और आज में नियत रहा, इसमें परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। अब इस पेन के अंदर जो इंक भरी है इसके अंदर, अब वो परिवर्तनशील राशि, क्या इसमें भरी हुई इंक को नियत राशि बोलोगे, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका मान तो चेंज हो रहा है, जब मैं लिखता जाऊंगा तो इसकी इंक कम होती जाएगी, फिर डाल दूंगा वापस बढ़ जाएगी, फिर लिखता जाऊंगा फिर कम होती जाएगी, परिवर्तनशील राशि। लेकिन इसकी चौड़ाई कल भी 2 सेंटीमीटर थी आज भी 2 सेंटीमीटर, हम बोलेंगे इसकी चौड़ाई का मान भी नियत है। तो अब ये आपको पहचानना है, तो पहला नियम आता है अवकलन के नियम है, अवकलन के नियम, पहला नियम है कांस्टेंट रूल, मतलब नियतांक के लिए, नियतांक का नियम। तो इसका नियम क्या कहता है, नियत राशि, बताओ नियत राशि किसे कहते हैं, वही इसका नियम भी है। नियत राशि का मतलब ऐसी राशि जिसका मान ना बदले, नियत राशि का मतलब होता है जिसका मान ना बदले वो क्या कहलाएगा। अच्छा बताओ पाई का मान 3.14 होता है, पाई का मान 22/7, पाई बराबर 22/7, कल भी यही था और आज भी, कल कितना था पाई का मान 22/7 और आज कितना है, ये तो कल था, बताओ आज कितना है, आज भी पढ़ेंगे तो क्या आएगा 22/7 आएगा, बताओ परिवर्तन कितना हुआ, आज पाई का मान माइनस कल पाई का मान कितना था, घटा दो 22/7 माइनस 22/7 कितना आएगा 0। इसका मतलब ये हो गया नियत राशि का अवकलन मतलब परिवर्तन सदैव शून्य होता है, नियत राशि का अवकलन सदैव शून्य होता है। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, डी अपॉन डी एक्स, अगर यहां नियत राशि लिखी हुई है, कोई भी नियत राशि, केवल नियत राशि होना चाहिए, अगर केवल नियत राशि है तो इसका अवकलन कितना आएगा 0। जैसे कोई मुझसे बोले एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 5 का अवकलन करके बताओ, 5 नियत राशि, इसका अवकलन क्या आएगा 0। संख्याएं हमेशा कांस्टेंट होती, नियत राशि का अवकलन
क्या हो गया जीरो, ये कांस्टेंट रूल हो गया, ठीक है ना। अब देखो मान लो डी बाई डी टी ऑफ पाई करना हो, पाई पाई का मान कितना हो, पाई का अवकलन पाई में परिवर्तन कितना होता है जीरो। अच्छा एक चीज देखो, ऐसे भी पूछ सकता हूं, यदि y बराबर सात हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कर। मान लो ऐसा कोई मुझसे बोलता है तो मैं क्या करूंगा, किसका मान निकालना है, डीवाई बाई डी एक्स का मान, डीवाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, डीवाई बाई डी एक्स। वाई का मान रख दो डी अपॉन डी एक्स, वाई का मान कितना सात, सात क्या है नियत राशि, और मेरा नियम क्या कहता है, नियतांक का नियम क्या कहता है, नियत राशि का अवकलन सदैव शून्य होता है। हो गया, तो ये पहला नियम हो गया नियत राशि का अवकलन। अब ये नियत राशियां कौन सी हैं, अब ये आपको पहचाननी, शुद्ध अंक नियत होते हैं, पाई नियत होता है। तो अब ये आप जो जो पढ़ते जाएंगे नियतांकों के बारे में, आप पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा इसका अवकलन जीरो है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका मतलब वो नियत नहीं है। अगर किसी राशि का अवकलन जीरो नहीं है इसका मतलब वो नियत भी नहीं है। नंबर टू होता है पावर रूल, घात का नियम। घात का नियम और अपने तो वास्तव में यही काम आएगा, बस वैसे 99% तो एक ही नियम से हम काम चला लेंगे पूरी फिजिक्स में। इधर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, देखो पढ़ो इसको, सबसे पहले तो पढ़ने का तरीका तो आना चाहिए यार, कैसे पढ़ेंगे देखो, एक्स की पावर एन का अवकलन, डी फॉर डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, जैसे ऐसे पढ़ते हैं ना डी थीटा अपॉन डी टी, कैसे पढ़ेंगे, किसका अवकलन हो रहा है थीटा का, थीटा का अवकलन, थीटा का अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है टी के सापेक्ष हो रहा है। जैसे लिखा होता है ना राहुल वेट्स, यहां लिखा है रीना, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी शादी इसके साथ, ये मतलब समझते हैं, निमंत्रण के ऊपर लिखा होता है ऐसी, इसका अवकलन इसके सापेक्ष। जैसे मैं मेहमानों लिखा है डीएक्स अपॉन डीटी, क्या समझेंगे, किसका अवकलन हो रहा है बताओ, अवकलन किसका हो रहा है, एक्स का, एक्स का अवकलन किसके साथ, टी के सापेक्ष, ऐसे पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ के बताओ, कैसे पढ़ोगे बताओ, एक्स की पावर एन, ये एक्स की पावर एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष, इसका एक नियम है पावर रूल बोलते हैं उसको। अब ये पावर रूल क्या है, जो भी पावर है उस पावर को यहां लिखो, जो भी यहां है उसको यहां लिखो, अगर यह पांच होता तो पांच लिख देता, यहां अगर तीन है तो तीन लिख देता, अगर यह माइनस दो है तो यहां माइनस दो, माइनस एक बटा दो है तो माइनस एक बटा दो, जो भी पावर होगी, और फिर इस पूरे को एज इट इज यहां लिखो, लेकिन इसकी पावर एक कम कर दो, इसलिए इसको पावर रूल बोलते हैं। पावर में चेंज आ गया ना, पहले तो पावर को आगे लिखो और फिर इसकी एक पावर को कम कर दो, ये है आपके लिए पावर रूल। अब इस पावर रूल के अंदर देखो, इसका एग्जांपल देखो, एक मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर सात लिखा है, तो बताओ क्या लिखोगे, पहले तो पढ़ना सीखो इसको, मेन चीज है आज आपकी क्लास पढ़ने के लिए, पढ़ना सीखना है, क्योंकि एक नया चिन्ह पढ़ रहे हैं आप, नया चिन्ह, आपने प्लस पढ़ा माइनस पढ़ा गुणा पढ़ा भाग पढ़ा ना, अब एक नया चिन्ह आया आपके लिए अवकलन, इस अवकलन का इस्तेमाल करेंगे, पहले पढ़ना सीखेंगे,
और एक दो बार यूज करेंगे तो यूज टू हो जाएगा हमारे लिए x की पावर 7। बताओ पावर कितना है 7, इसको आगे लिख लो और इसकी एक पावर कम कर दो, x की पावर 7 माइनस 1 तो कितना हो गया x की पावर 6। ऐसे सॉल्व करें। अगर मान लो आपसे कहा जाए d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 6, अब आप लोग इस वीडियो को स्टॉप कर करके इनके आंसर्स लिखना, मैं तो लिखता जाऊंगा कंटिन्यू, आपको वीडियो स्टॉप करके लिखना है और फिर जो मैं लिख रहा हूं उससे मैच कर लेना है। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4, d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ x, ये लिखना है आपको, ठीक है, और d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 0। देखो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इन सब के मान लिखेंगे। अब रिच अब चेक कर लो आपने जो लिखा है उसको, बताओ जो भी पावर है आगे लिखो और इसकी एक पावर कम कर दो। बताओ एक पावर कम करूंगा तो 6 माइनस 1 करूंगा, 6x की घात 5। पावर को आगे लिखा, इसकी एक पावर कम कर दो, क्या हो गया 5x की घात 4। पावर आगे लिखा, x की पावर 4 माइनस 1 करा, 4x क्यूब आया। पावर को आगे लिखो, x की घात 3 माइनस 1 करो, 3x स्क्वायर। यहां पावर कितनी है 2, आगे लिखो इसकी पावर 1 कम कर दो, 2 माइनस 1 कर दो, 2x की घात 1 लिख दो। यहां पावर कितनी है बताओ 1, अगर किसी संख्या की घात नहीं दी गई है इसका अर्थ है वहां पर 1 छुपा हुआ है, लिखा हुआ है दिख नहीं रहा है बस, ये रहा। तो बताओ 1 आगे लिखा, x की पावर 1 में से 1 को घटा, जल्दबाजी में बच्चे इसको 0 कर देते हैं, 0 नहीं है, 1 x की पावर 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसको पढ़ के देखो, पढ़ के बताओ क्या लिखा, 1 तो लिखते ही नहीं अपन को याद है, x का बताओ किसका अवकलन हो रहा है, बताया ना मैंने, इसका अवकलन हो रहा है इसके सापेक्ष, इसका अवकलन इसके सापेक्ष, बताओ यहां किसका अवकलन हो रहा है x का और किसके साथ हो रहा है x के साथ, x का अवकलन x के सापेक्ष, आंसर क्या आएगा 1। इसका बताओ अब आपको देखना है x की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1। अब ये लिखा हुआ है, आप सर्दी में पढ़ो चाहे गर्मी में पढ़ो, चाहे विज्ञान नगर में पढ़ो, चाहे माधोपुर पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो, कोटा पढ़ो, जयपुर पढ़ो, ये एक ही रहेगा, मतलब ये एक क्या हो गया नियत राशि। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं d बाई डी एक्स ऑफ 1 और 1 का अवकलन कितना होता है 0 हो गया, 1 का अवकलन 0। बोलो कोई दिक्कत हो तो देखो, तो दो नियम हो गए। पहला नियम बताओ क्या है, नियतांक का नियम, अगर केवल नियतांक लिखा है, केवल नियतांक और कुछ नहीं होना चाहिए अंदर, नियतांक का नियम कब लगेगा जब अंदर अवकलन केवल नियतांक का होगा, तो केवल नियतांक का होगा तो आप समझ जाएंगे, क्या समझेंगे बताओ, उसका अवकलन 0 होगा, ये समझेंगे हो गया। अब आता है तीसरा नियम, तीसरा नियम आता है, इसके अंदर एक दो चीजें और बता दो, पावर रूल, पावर रूल में इसी को ही समझना है आपको, इसी को ही करना है काम, इसी का ही करना है सर। तो देखो और एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस 4 का करो, d बाई डी एक्स ऑफ, आप लोग चालू हो जाओ काम करना शुरू कर दो, आंसर्स लिखो, फिर मैं अभी आंसर्स बताऊंगा आपको जब आप टैली कर लेना सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, है ना। d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस 2, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस 1, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 0, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3 बटे 2, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 2 बटा 3,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस का हाफ। ये आपके सवाल है। अब चेक कर लो आपने जो किया है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले पावर रूल लगेगा इसमें। पावर कितनी? माइनस चार। एक कम कर दो इसमें से, ये कम कर दी। बताओ क्या है? माइनस चार और एक्स की पावर माइनस का पांच। ये हमारा आंसर। तो पावर रूल क्या कहता है? ये कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या कहता है? जो भी पावर है आगे लिखो और इसकी एक पावर को कम कर दो। इधर दिख नहीं रहा होगा यार, यहां लिख देता हूं। पावर रूल क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन आगे लिखा और इसकी एक पावर को कम कर दी। ऐसे ऐसे करते हैं। पढ़ना आता है आपको? पढ़ना कैसे? डी वाई बाई डी एक्स पढ़ के बताओ। y का अवकलन पढ़ना आ गया? किसका अवकलन हो रहा है? y का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। डी डी अपॉन डी टी बताओ। पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। आज का काम तो बहुत नर्सरी क्लास के जैसा है। बताओ डी डी अपॉन डी टी पढ़ के बताओ। थीटा का अवकलन टी के सापेक्ष। पढ़ के बताओ डी एक्स अपॉन डी टी। पढ़ो किसका अवकलन हो रहा है? एक्स का। यहां किसका अवकलन हुआ? थीटा का। यहां वाई का। यहां किसके सापेक्ष हो रहा है? टी के सापेक्ष। एक्स का अवकलन टी के सापेक्ष। अच्छा ऊपर जो लिखा है उसको पढ़ के बताओ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को पढ़ो। सोचो आप लोग, सोच वीडियो पॉज कर लिया करो, खुद सोच लिया करो और फिर मैं जो आंसर बोल रहा हूं उससे मैच करा करो। पढ़ के बताओ क्या लिखा है। एक्स स्क्वायर का अवकलन किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। ये लिखा ऐसे पढ़ते हैं। चलो अब यहां आ जाओ, पावर रूल लगाओ। पावर आ जा भैया, पावर। इस पावर को आगे लिखा और इसकी एक पावर को कम कर दिया, माइनस तीन और एक्स की पावर माइनस का चार। इसको सॉल्व कर लो बस, एक पावर माइनस करनी है। लगा दो पावर रूल। पहले पढ़ के बताओ यार कैसे पढ़ोगे। एक्स की पावर माइनस दो का अवकलन एक्स के सापेक्ष। पावर रूल लगाओ। पावर रूल क्या कहता है? ये आ गया माइनस का दो और एक्स की पावर माइनस दो में से एक कम कर दो, माइनस दो एक्स की पावर माइनस टू। ये अवकलन करने का तरीका होगा। इसको करो, पावर रूल लगाओ, पावर को आगे लिखो, एक्स में से एक घटा दो पावर में से, माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, एक्स की पावर जीरो। ये चकमा देगा आपको, इंपॉर्टेंट है। एक्स की पावर जीरो बच्चे क्या करते हैं? येलो साफ ऐसे, ये कांस्टेंट है। एक्स की पावर जीरो का मतलब एक, और एक का अवकलन करूंगा तो जीरो। पावर बताओ इसकी, पहले तो पढ़ के बताओ। एक्स की पावर तीन बटे दो का अवकलन एक्स के सापेक्ष। देखो देखो देखो, इसको पढ़ना आएगा। इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष। पावर रूल लगाओ, पावर लाओ आगे और इसकी पावर कम कर दो। ये कर दो, तीन बटे दो एक्स की पावर तीन बटे दो में से एक क्या दो, एक बटा दो। अच्छा बताओ पढ़ सकते हो? एक्स की पावर दो बटा तीन, एक्स की पावर दो बटा तीन का अवकलन एक्स के सापेक्ष। पावर रूल लगाओ, ये पावर और ये रूल लग गया, दो बटा तीन माइनस एक, दो बटा तीन एक्स की पावर माइनस का एक बटा तीन। दो बटा तीन में से एक को घटाना है, एलसीएम लेकर के घटा दिया, ये आंसर है। अच्छा इसकी पावर कितनी है? ये रहा, इसकी पावर एक और कम कर दो, माइनस एक बटा दो तो पहले ही थी और एक और कम कर दो, ये माइनस एक बटे दो ऐसे किसी आ गया एक्स की पावर। सॉल्व करोगे इसको, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो दो
ऊपर आएगा माइनस का तीन, ये आपका आंसर है। तो ये था आपके लिए पावर रूल। अब इसी के अंदर एक रूल और लगेगा, आपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे भाई इनके सबके, है ना, इनके आंसर्स मैच होने के बाद अब ये दो नियम हो गए। पहला नियम क्या था, नियतांक का नियम, कांस्टेंट रूल। दूसरा है पावर रूल, एक्स की पावर एन वाला। अब तीसरा आता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, नियत गुणा का नियम। अगर गुणा में कोई नियत राशि लिखी है तो उसका नियम क्या है, बोर्ड पे देखो बहुत अच्छे से देखो। पहले तो हमने केवल कांस्टेंट का ही रूल पढ़ा था, अब ये कांस्टेंट रूल नहीं है, अब ये क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मतलब गुणा में अगर कोई नियत राशि लिखी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो डी बाई डी एक्स, पांच एक्स क्यूब लिखा है, पहले तो पढ़ के बताओ उसको अच्छे से, इसको कैसे पढ़ते हैं, किसका अवकलन हो रहा है, वाई का अवकलन एक्स के साथ, जो ऊपर लिखा है इसका अवकलन इसके सापेक्ष, इसका अवकलन इसके सापेक्ष, पांच एक्स क्यूब का अवकलन एक्स के सापेक्ष हो रहा है साहब, बताओ। ये नियम कहता है, क्या कहता है देखो, अब नियम के लिए मैंने क्या करा है, नियत राशि को सी मान लिया, सी फॉर कांस्टेंट, पहले नियम समझो ना, ये नियत राशि है और यहां एन लिखा है मान, अब पढ़ के बताओ, सी एक्स की पावर एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष, ठीक है, सी एक्स की पावर एन का अवकलन एक्स के, तो अगर गुणा में कोई नियत राशि है तो उसको छेड़ना नहीं, ऐसे कैसे लिख देना, उसको छेड़ने का नहीं, उसको ऐसे कैसे लिख देना, अब बताओ, अब इसको ऐसे कैसे लिख दो, अब बताओ, अब तो पावर रूल लग गया, अगर मैं इसको ऐसे कैसे लिख दूंगा तो अब कौन सा रूल लगेगा बताओ, अंदर क्या बचा, एक्स की पावर एन। तो नियम नंबर दो पावर रूल क्या कहता है, जो भी पावर है उसको लिखो आगे और इसकी एक पावर को कम करो, ये बन गया आपका कांस्टेंट मल्टीपल रूल। एग्जांपल्स देखो इसके, जैसे मान लो अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लिख भी दिया था वहां पे, पहले 5x³ अभी लिखा था ना एग्जांपल, पढ़ के बताओ कैसे पढ़ोगे, 5x³ का अवकलन x के सापेक्ष कैसे करेंगे, नियत गुणा, गुणा में नियत आगे लिख दो, इसको छेड़ो ही मत, अब तो पावर रूल लग जाएगा, जो भी घात है आगे लिखो और इसकी एक पावर को कम कर दिया, अब एक पावर कम कर दूंगा तो बताओ ये क्या हो गया, इन दोनों को गुणा करा तो 15 और एक पावर कम होती, एक तो और देख लो आप लोग, मान लो 7x³ डी बाई डी एक्स 3x² डी बाई डी एक्स 6x डी बाई डी एक्स 1/5 इंटू एक्स की पावर 6 डी बाई डी एक्स 2x³/3/2। अब ये सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज कर लो और अपने आप सॉल्व करते चलो, तो देखो क्या आएगा, 7 गुणा में नियत राशि ऐसे किसी लिख दी, कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या कहता है, गुणा की राशि को ऐसे किसी लिख दो, अगर गुणा में, अब क्या बचा, x³ पावर रूल लगा दो, पावर रूल क्या कहता है, 4x⁴-1 ये कहता है पावर रूल, अब इन दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 28 7×28 × 10³ ऐसे सॉल्व, गुणा में नियत राशि एज इट इज लिख दो, यहां सी गुणा में था ऐसे किसे लिख दिया, अब पावर रूल लगा दो,
दो एक्स की पावर दो माइनस एक कितना हो गया, तीन दोना छ एक्स की पावर एक, गुणा में छ छ एक्स की पावर एक है, एक मानूंगा ना, एक एक्स की पावर एक माइनस एक, छ गुणा एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर जीरो का मतलब बताओ, एक्स की पावर जीरो का मतलब हो गया एक, एक्स की पावर जीरो बराबर क्या हो गया, ठीक है ना। और देखो वन अपॉन फाइव गुणा में ऐसे ही गुणा, एक्स की पावर छ पावर एक्स की पावर छ माइनस एक क्या हो गया, एक बटा पांच गुणा छ और एक्स की पावर पांच, बताओ इसमें कैसे करोगे, गुणा में दो एक्स की पावर, बताओ क्या करो, पावर रूल लगाओ, तीन बटा दो और एक्स की पावर तीन बटा दो में से एक घटा दो, दो से दो कट गया कितना है तीन, एक्स की पावर तीन बटा दो में से एक गया तो एक बटा दो। तो इस तरह से तीन नियम बताए मैंने आपको, कौन कौन से बताए बताओ, कॉन्स्टेंट रूल, अगर केवल कॉन्स्टेंट हो, केवल कॉन्स्टेंट हो तो आप क्या करेंगे बताओ, अगर केवल कॉन्स्टेंट होगा तो उसका अवकलन जीरो कर देंगे। अब आप इस वीडियो को देख करके आप लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो, मुझे व्हाट्सएप करो क्वेश्चंस करने में आपको, पहला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर सात बटे दो करोगे सॉल्व, नंबर दो डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन एक्स की पावर नौ बटा तीन, तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स की पावर टू बाई थ्री, चौथा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक बट दो बटा तीन एक्स की पावर तीन बटा दो, इसको सॉल्व करना, और पांचवा और है डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एक्स की पावर p अपॉन q, ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे व्हाट्सएप करो। क्या क्या पढ़ लिया है, कॉन्स्टेंट रूल पढ़ा पहला, अवकलन का रूल, कॉन्स्टेंट रूल, कॉन्स्टेंट रूल में क्या पढ़ा बताओ, d अपॉन dt या d अपॉन dx ऑफ नियत राशि, ये पहला नियम हो गया, नियत राशि का अवकलन जीरो, फर्स्ट रूल कॉन्स्टेंट रूल। दूसरा पढ़ा आपने पावर रूल, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस वन, जो भी घात हो उसको यहां लिख दो और इसकी एक घात कम कर दो। तीसरा कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल, तीसरा नियम d अपॉन डी एक्स सी एक्स की पावर n, बताओ इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, गुणा में जो c है उसको ऐसे किसे रख दो, अब ये जब ऐसे किसी आ जाएगा तो अब पावर रूल लग जाएगा इसमें एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब चौथा नियम आ रहा है, इसका नियम क्या था, कॉन्स्टेंट रूल सी आर, ये क्या था पावर रूल पी आर, और ये कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल सी एम आर हो गया। अब सम रूल, अगर जोड़ वोड़ बीच में आ जाए तो कैसे करेंगे, इधर देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ इन तीनों का अब यूज करेंगे भी अपन, जैसे मान लो यहां पर x की पावर 2 x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 6 लिखा हुआ है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, अब गुणा में दो है इसको डिवाइड कर दो, आप कैसे डिवाइड करोगे बताओ, d अपॉन डी एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स थ्री एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स और छ, जहां प्लस था प्लस लगा दे, जहां माइनस था माइनस लगा दे, मतलब इसका भी अवकलन करेंगे, इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे। अब देखो कैसे होएगा, दो
कांस्टेंट रूल लगा दो, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, दो ऐसे किसी आ गया, अब पावर रूल लगा दो। पावर रूल क्या कहता है, दो एक्स की घात दो माइनस एक प्लस तीन गुणा में कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगा दो, तीन ऐसे किसी आ गया, एक्स की पावर एक का क्या आएगा बताओ, जो पावर एक है तो एक और एक्स की घात एक माइनस एक माइनस, अब इसमें कांस्टेंट रूल लगा दो सी आर, नियत राशि का अवकलन कितना होता है जीरो, तो ये आपका आंसर आ गया फोर एक्स की पावर दो में से एक गया तो एक प्लस तीन एक्स की पावर जीरो और ये क्या हो गया जीरो, ये आ गया फोर एक्स प्लस थ्री, क्योंकि x की पावर जीरो का मान कितना होता है एक के बराबर, तीन को एक से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर कैसे आ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अपना काम इसी से ही निकल जाएगा, मैक्सिमम काम इसी से ही निकाल लेंगे भी अपन। इधर देखें पांचवा नियम, अब इसके लिए कुछ आपको सूत्र बना के दे देता हूं, अपन ने जो अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उसमें d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, बताओ एक्स क्यूब का क्या है थ्री एक्स स्क्वायर, अगर मान लो मैं यह t लिखता बताओ, अगर t क्यूब होता और इसका t के सापेक्ष अवकलन करता तो क्या था? कर सकता हूं, बहुत आसानी से कर सकता हूं, पावर कितनी है बताओ, पावर रूल लगा दो t, पावर रूल लगा दो, जो भी पावर है वो आगे आ गई और इसकी पावर एक कम कर दो, ये कम बताओ d अपॉन डी टी ऑफ t स्क्वायर क्या है, कर सकते हो क्या आएगा बताओ, जो भी पावर रूल लगा दो, दो और ये पावर एक कम कर दो, ये एक रहेगी, d अपॉन डी टी ऑफ t बताओ, t की पावर एक मान लो तो इसका अवकलन किया हुआ है आपने वो क्या आएगा वन, ये कर रखे हैं अपन ने अवकलन, अच्छा करके देखो देखिए कैसे आएगा, d अपॉन डी टी टी की पावर वन, इसका अवकलन करूंगा तो जो भी पावर है आगे लिख लो, पावर रूल लगा दो यार ये वाला, जो पावर है आगे लिखो, इसकी पावर एक कम कर दो बताओ, वन इंटू टी के पावर जीरो, टी के पावर जीरो को वन से गुणा करूंगा तो वन, किसी भी संख्या की पावर जीरो का मतलब एक होता है। और देखो d अपॉन डी टी आपने सॉल्व किया था, t की पावर माइनस वन को सॉल्व करो, बताओ कैसे सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ, आप कागज पेन रखा करो हमेशा और वीडियो पॉज कर लिया करो और उसको सॉल्व करके फिर वापस चालू कर लो, देख लो भी आंसर सही गलत, d अपॉन डी टी टी की पावर माइनस वन को कैसे सॉल्व करूं, जो भी पावर है आगे लिखो और इसकी एक पावर और कम कर दो, क्या आया माइनस वन इंटू टी की पावर माइनस टू, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो माइनस वन अपॉन, इस पावर को नीचे ले जाओ माइनस का वन अपॉन टी स्क्वायर, अगर टी अपॉन डी टी टी की पावर माइनस दो का पूछा जाए तो इसको भी सॉल्व कर लो, पावर रूल लगाना है आपको और आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, पावर रूल लगाते जाओ सॉल्व करते जाओ, बताओ पावर रूल लगाओ, जो भी पावर हो उसको आगे लिख लो और इसकी एक पावर कम कर दो, पावर कितनी है माइनस दो, अब एक पावर कम कर दो, टी की पावर माइनस दो में से एक घटा दो माइनस दो टी की पावर माइनस, चाहो तो इसको नीचे लिख लो माइनस दो और टी की पावर तीन, हो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टू अपॉन टी की पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं d अपॉन डी टी ऑफ पांच, पांच का अवकलन करके बताओ क्या आएगा जीरो, क्यों आए जीरो बताओ, क्योंकि पांच नियत राशि है, ये वाला नियम लग गया, नियत राशि का अवकलन शून्य होता है, तो अब आपको याद रखना है। तो ये जो चौथा नियम है सम रूल, जोड़ का नियम, जैसे मान लो यहां लिखा है वाई वन और यहां लिखा है वाई टू, तो कैसे करोगे, पहले इसका करेंगे d बाई डी एक्स किसका वाई वन का, फिर d बाई डी एक्स किसका वाई टू का, ऐसे करेंगे, इसको बोलते हैं सम रूल। तो इस तरह से करेंगे अवकलन। अब कुछ क्वेश्चन हैं, दो चार क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ठीक है, और जहां तक हो सके इन ये छोटी छोटी सी चीजें याद रखो कि भाई t का t के सापेक्ष अवकलन कितना आया एक,
आपको अवकलन पढ़ना आता ही है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर वन, यदि y बराबर 6xq-4x2+2x-6 हो तो dy अपॉन dx ज्ञात करो। यह आपका सवाल, dy बाई dx का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब बताओ dy बाई dx का मान ज्ञात तो करना है, लेकिन y का मान क्या रखोगे, जो आपको दिया हो dy बाई dx, y का अवकलन x के सापेक्ष, y का मान रख दो 6x³-4x² + 2x-6। अब मैं यहां से आपको डायरेक्ट सॉल्व करना सिखा रहा हूं, डायरेक्ट कैसे, गुणा में नियत राशि है ऐसे कैसे लिखो, आराम से तसल्ली से करो बिना जल्दबाजी, क्योंकि हमें कांस्टेंट मल्टीपल रूल याद है, हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। अब एक्स क्यूब का तो मुझे सूत्र याद है, टी क्यूब का 3t² तो एक्स क्यूब का क्या आएगा 3x², चुपचाप से ऐसे लिखो, क्योंकि ये सूत्र बन गया। अब इन्हीं सूत्रों के क्वेश्चन बताऊंगा अभी मैं आपको। अब देखो ये माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे लगा दिया, फिर ये 4 आ गया। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन, ये देखो कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगा दिया, जो गुणा में है वो ऐसे कैसे लिख दो। अब बचा एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दो, टी स्क्वायर का अवकलन 2t होता है, तो बताओ एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा 2x+2। ये दो गुणा में ऐसे कैसे लिख दो, एक्स का अवकलन करूंगा, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, टी का अवकलन टी के सापेक्ष एक होता है, तो एक्स का भी एक ही आएगा। माइनस अब 6 का अवकलन कर दो, बताओ 6 का अवकलन करो तो सही, 6 का अवकलन क्या आएगा 0। कौन सा नियम लग गया, ये वाला नियत राशि का अवकलन 0, तो आपका आंसर आ गया 18x² - 8x+2। ये आपका dy बाई dx का मान आ गया, ये आंसर है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं और उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप करेंगे, और सब बच्चों से बोल रहा हूं पीछे मत रहना, हर बच्चे से। बस अब आपकी बुधवार से जूम पर क्लास शुरू कर दूंगा, बुधवार से हम जूम पर क्लास शुरू कर देंगे। आपकी क्लास का समय रहेगा 9:30 से मॉर्निंग में, 9:30 से 10:15, ठीक है, 9:30 से 10:30 बायोलॉजी वाले 10:30 से 11:30 कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम अपनी क्लास का समय मॉर्निंग में 9:30 से 10:30 रखेंगे बुधवार से, और हम सब जूम पर जुड़ेंगे। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जूम ऐप डाउनलोड कर लो, वैसे मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर मैसेज डालने वाला हूँ, लिंक भेज दिया था शायद मैंने कल आपको जूम का, तो गूगल प्ले स्टोर से आप लोग जूम ऐप डाउनलोड कर लो, फिर मैं आपको मीटिंग आईडी दूंगा, और बुधवार से हम लोग बुधवार से जूम पर जुड़ेंगे सब, और जूम पर जैसे मेरी 12th की क्लासेस चलती हैं उसी तरह से चलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूं, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी को करने, सबको करने, सब लोग करके, उससे क्या होता है आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से, और आपको पता रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक्स बराबर 5t² - 4t+4, इसको क्यूब कर लो, इसको स्क्वायर कर लो, -3t+2 हो तो dx अपॉन dt ज्ञात करो, ठीक है। पहला सवाल, अब यहां लिखूंगा मैं dx अपॉन dt और x का मान रख दूंगा और अवकलन कर दूंगा t के सापेक्ष। क्वेश्चन नंबर 2, यदि y बराबर 14x² - 7 हो तो dy बाई dx ज्ञात करो, ठीक है। ये दो, एक और देख लो, ये तीन क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर, ये क्यू कर देता हूं, क्यू बराबर, ये 12th का क्वेश्चन दे रहा हूं, 5t² - 4t+2 हो तो, अभी हमारे 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी का
चैप्टर चल रहा है उसमें अभी क्वेश्चन कराया मैंने, तो डी क्यू अपॉन डी टी ज्ञात करो। अब आप उनसे कह देना ये हमारी 12th की बुक का क्वेश्चन है, पांचवें चैप्टर डी क्यू अपॉन डी टी ज्ञात करो। आप लोग ज्ञात कर सकते हो आराम से, डी क्यू अपॉन डी टी ज्ञात करना है, 12th का 5th चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।